नमस्कार, मैं हूँ गीता अंजलि और आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आई रुक करते हैं खबरों की तरफ। कानपुर देहात में मामूली विवाद के चलते एक युवक की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। गांव के दबंगों ने हत्या करने के बाद शव को अंदर रख दिया। सुबह शव को देख परिजन विलख पड़े और परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कैसे घटना हुई है? शाम को घटना हुआ था अराउंड 3 और 4 बजे के बीच में, फिर शाम को 6 और 7 बजे के बीच में हुआ। उस बंदे ने 3 बार इसको मारा है। मारने के बावजूद उसको बोल गया कुछ लोगों से, मैं इसको मार दूंगा। रात में हम लोग देखे, लेटा था आराम से। उसके बाद मैं जब सुबह जगा हूँ तो यहाँ पे उसको लिटा के मार के कुल्हाड़ी से उसकी हत्या की गई है। हत्या करने के बाद कुछ लोगों से बोला गया है कि मैं उसको मार के घर पे लिटा के आया हूँ। अच्छा, कारण विवाद क्या? कारण क्या नहीं, वो अपनी जगह पे खड़ा था, अपने आप अपने थोड़ा बहुत ड्रिंक विंक करता है, नॉर्मली करता है, ज़्यादा भी नहीं करता है। अपने यहाँ पे ऐसे बातें कर रहा था, पर्सनली किसी से बोलता नहीं कि मैं आपका नाम लेके बोल रहा हूँ। वो भी वहीं बैठा था, उसने आके उसको मारा। आके मारने के बाद उसको फिर टाइम देख के उसको फिर कुल्हाड़ी से उसका सर पे वार कर दिया। अच्छा, करीब कितने लोग होंगे इसमें? वो लोग 3 लोग थे ना, उसका पापा, उसका लड़का और उसका भांजा। कौन लोग हैं गाँव के? ये गाँव के हैं मोहर सिंह, ज्ञान प्रधान धर्म सिंह यादव के भाई हैं, उसका भतीजा है। ये हम अपनी धमकी में रहते ना, मेरे यहाँ पे धानी है, बहुत लोग धमकी देता है वो बंदा। अच्छा, ये जो जिनको मारा गया है ये कौन थे आपके? ये मेरा कजिन ब्रो है। सर, भज्जापुरवा में हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? थाना भोगनीपुर के गांव भज्जापुरवा में आज सुबह सूचना मिली कि एक मकान में विनोद कुमार यादव का जो मकान है उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है और वो मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। मौके पर फोरेंसिक टीम और जनपद स्तरीय समस्त उच्च अधिकारियों द्वारा मुआयना किया गया और सारे साक्ष्यों को, तथ्यों को, घटनास्थल को बारीकी से देखा गया। जो यहाँ प्राथमिक पूछताछ में बात आई है, शव के मिलने के स्थान से लगभग 40 मीटर दूर नीम के पेड़ के नीचे आग तापने के लिए उनका बिस्तर लगा हुआ था। कुछ लोगों से विवाद की बात वहीं पर आई हुई है। मृत्यु के सही कारणों को जानने के लिए शव को अभी पीएम हेत भेजा गया है। परिवारजनों द्वारा जो तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं, गांव के लोग, सारे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। हत्या का अभी जो तथ्य उनके द्वारा बताए गए हैं उनको देखते हुए ही अग्रिम कार्रवाई होगी और जो तहरीर पे उनके द्वारा बातें कही जाएंगी उनको संज्ञान में रखा जाएगा। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।